A merchant marks price of an article 25% above the cost and allow some discount on the mark price, okay? And makes a profit of 10%. Then rate of discount is, okay? So basically, agar apan dekhe yahan pe, to merchant ka jo mark price hai, wo cost price se 25% extra hai, okay? So let cost price is equals to RS X rupees, okay? So cost price kya hai yahan pe X rupees. So ye mark price kya hai yahan pe, okay? Agar apan mark price dekhe, ठीक है तो मार्क प्राइस क्या है ये कॉस्ट प्राइस से 25% एक्स्ट्रा मार्क करता है ठीक है x प्लस x इनटू 25 डिवाइडेड बाय 100 तो 25% एक्स्ट्रा मार्क कर रहा है यहां पे ठीक है 25% ही एक्स्ट्रा मार्क कर रहा है ये क्या आ गया यहां पे ये आ गया x प्लस x अपॉन 4 ठीक है x प्लस x 25% एक्स्ट्रा मार्क कर रहा है तो ये आ गया अपने पास 4x प्लस 1 तो ये आ जाएगा यहां पे 5x अपॉन में 4 ये आ गया यहां पे मार्क प्राइस अब इस पे ये बोल रहा है कि कुछ ये डिस्काउंट ऑफर कर रहा है ठीक है मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट ऑफर कर रहा है ठीक है लेट्स अगर अपन देखें तो डिस्काउंट रेट अपन क्या बोल देते हैं लेट डिस्काउंट ठीक है डिस्काउंट अपन क्या बोल देते हैं लेट से डिस्काउंट है यहां पे डिस्काउंट a परसेंट है ठीक है डिस्काउंट a परसेंट है तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा डिस्काउंट a परसेंट है तो डिस्काउंट आ जाएगा यहां पे a अपॉन 100 और डिस्काउंट किस पे दे रहा है ये मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है 5x अपॉन 4 ठीक है तो ये यहां पे क्या आएगा इसका डिस्काउंट a अपॉन 100 a परसेंट डिस्काउंट अगर अपन बोल रहे रेट ऑफ डिस्काउंट ठीक है बेसिकली इसको अपन रेट बोल सकते हैं ठीक है रेट ऑफ डिस्काउंट a परसेंट तो a अपॉन 100 इनटू मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है तो मार्क प्राइस क्या है यहां पे 5x अपॉन 4 इसके लिए देखें तो ये 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं ये आ जाएगा 20 ये आ जाएगा यहां पे ax अपॉन 20 इनटू 4 तो ये डिस्काउंट हो गया तो अगर डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दे रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा यहां पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा मार्क प्राइस माइनस में डिस्काउंट क्योंकि जो डिस्काउंट है उसी पे मार्क प्राइस जो है उस पे ये डिस्काउंट देगा तो मार्क प्राइस आ गया यहां पे 5x अपॉन 4 माइनस में और डिस्काउंट क्या है यहां पे डिस्काउंट है ax अपॉन 80 ठीक है डिस्काउंट क्या है यहां पे ax अपॉन 80 तो ये आ जाएगा यहां पे इसकी वैल्यू ये आ गया सेलिंग प्राइस ये आ गया यहां पे ax अपॉन 80 अगर अपन इसकी वैल्यू देखेंगे तो जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है यहां पे 5x अपॉन 4 माइनस में ax अपॉन 80 और माइनस कॉस्ट प्राइस क्या था इनिशियली कॉस्ट प्राइस यहां पे x था ठीक है कॉस्ट प्राइस यहां पे x था तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहां पे इसकी वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा यहां पे x अपॉन में 4 प्लस माइनस में x अपॉन में 4 माइनस में ax अपॉन में 80 ठीक है दिया गया यहां पे प्रॉफिट आ गया ठीक है अब प्रॉफिट परसेंट कितना था प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा यहां पे प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू में 100 ठीक है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 और प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा था ये 10% अर्न कर रहा था ठीक है अब अपन वैल्यूज को पुट करें तो सीपी क्या आ गया यहां पे सॉरी प्रॉफिट क्या आ गया यहां पे प्रॉफिट आ गया x अपॉन 4 माइनस में ax अपॉन 80 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या था x इनटू में क्या आ जाएगा यहां पे 100 इक्वल्स टू 10 तो यहां से a में इक्वेशन आ गया xx तो कैंसिल आउट होगा कॉमन लेके ठीक है यहां अगर अपन देखेंगे तो न्यूमरेटर में x ये x और ये x क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ले जाएगा यहां पे 1/4 माइनस में a by 80 इक्वल्स टू इसको यहां मल्टीप्लाई था ये जगह 10/100 10/100 मींस 1/10 यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा यहां पे ये जगह a/80 इक्वल्स टू 1/4 माइनस में 1/10 ठीक है इसकी वैल्यू आ जाएगा यहां पे 20 आ जाएगा एलसीएम ये जगह 4 5 जा 20 10 2 जा 20 तो आ गया अपने पास 3/20 यहां से a क्या आ गया अपने पास डिस्काउंट की वैल्यू क्या था a परसेंट और ये जगह 3/20 इनटू में 80 4 ये आ जाएगा यहां पे 12% तो डिस्काउंट कितना देगा वो 12% वो डिस्काउंट देगा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर